अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आर्टिकल है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से पहले आप ये एग्जांपल देखिएगा। दिस इज लैक्टिक एसिड CH3COH HCOOH। इट इज लैक्टिक एसिड, या आप इसको कह सकते इट इज 2-hydroxypropanoic acid। अगर इस स्ट्रक्चर में एटम की तादाद को चेंज किए बगैर अगर इस OH ग्रुप को कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3 पर शिफ्ट किया जाए और कार्बन नंबर 3 से एक हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 2 पर शिफ्ट करते हैं, तो अब हमारे पास जो एक नया स्ट्रक्चर जो यूं आ जाएगा CH2COH CH2COOH। अब आपके पास ये जो कंपाउंड है इन दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इट इज C3H6O3। लेकिन इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट या सीक्वेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, या यूं कह लीजिए कि इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है। ये मैंने बताया कि ये फर्स्ट कंपाउंड ये 2-hydroxypropanoic एसिड, तो जब आपने OH ग्रुप को कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3 पर शिफ्ट किया तो ये अब क्या आ गया, इट इज 3-hydroxypropanoic एसिड। ये दोनों कंपाउंड्स इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब जरा एक और आइसोमर भी हम जरा देखते हैं कि ये सपोज कीजिएगा कि ये एक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH3, इट इज एन ब्यूटेन में ये कार्बन एटम जो है इसका सीक्वेंस लीनियर है, चारों कार्बन एटम जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस में मौजूद हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। अगर आप कार्बन नंबर 4 को कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच करते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और ये कार्बन नंबर 4, और अगर अब आप जो है वो इन तमाम कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हाइड्रोजन से मुकम्मल कर लेते हैं, तो ये आपके पास एक दूसरा कंपाउंड आ गया, इट इज आइसोब्यूटेन, या आप इसको 2-methylpropane कह लीजिए, 2-methylpropane इसका IUPAC नेम है। इन दोनों कंपाउंड्स का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इट इज C4H10, लेकिन इनमें एटम्स की जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक में कार्बन एटम्स लीनियर सीक्वेंस में है और दूसरे में कार्बन एटम ब्रांच सीक्वेंस में है, तो ये दोनों भी एक क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो अभी मैं आइसोमर्स की डेफिनेशन पे नहीं आ रहा, ये वापस जरा एग्जांपल जरा इस पे आ जाइए, लैक्टिक एसिड की एग्जांपल पे आ जाइए। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला, इसमें ये जो सेंट्रल एटम है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ये मैं इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ड्रा किया है। अगर आप इसका मिरर इमेज, इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज ड्रा कर लें, ये मिरर इमेज है इस लैक्टिक एसिड का,
मिरर इमेज हो गया। तो इन दोनों कंपाउंड में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इट इज C3H6O3। इनमें एटम्स की जो सीक्वेंस है या अरेंजमेंट है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड वो भी सेम है, लेकिन इनमें मौजूद जो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्पेस या सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये इन आइसोमर्स में डिफरेंस किस बात का है, इसमें डिफरेंस जो है ड्यू टू द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम आर द ग्रुप ऑफ एटम। और इन आइसोमर्स में जो है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, इट इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, या यूं कह लीजिए कि इन द सीक्वेंस ऑफ द लिंकेज ऑफ एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, दे आर आल्सो नोन एज द आइसोमर्स। सो व्हाट आर द आइसोमर्स, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस आर द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फिर सुन लीजिए कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज द आइसोमर्स एंड फिनोमिनन इज नोन एज द आइसोमेरिज्म, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे अब आप देखिए कि इस एग्जांपल्स में जो आइसोमर्स एक दूसरे से जो डिफर कर रहे हैं वो डिफर कर रहे हैं ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर द सीक्वेंस ऑफ एटम्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टिक एसिड। ये दो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्ट्रक्चर आर नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, दे आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और यहाँ भी आप C4H10 में देखिएगा कि ये दो कंपाउंड एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द सीक्वेंस ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। तो ये भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। वेयर एज इन केस ऑफ दीज टू एग्जाम्पल ऑफ द लैक्टिक एसिड, यहाँ पे जो सीक्वेंस है एटम का वो सेम है, दे हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर द ग्रुप ऑफ एटम इन द स्पेस, दे आर नोन एज द स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर नोन एज द स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब हम जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो हमारा टॉपिक जो है वो आगे प्रोसीड करता है एज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर द टू आर मोर कंपाउंड्स
which have same molecular formula, same molecular formula, but different structural formulas, structural formula, या जिसको आप यूं कह सकते हैं, different structural arrangement of atoms, structural arrangement of atoms, they are known as the structural isomers of each other, and phenomenon is known as the structural isomerism. Whereas the compounds which have same molecular as well as the structure formulas, but they have the different spatial arrangement of atoms. They have different spatial arrangement of atoms. They are known as the stereoisomers, and phenomenon is known as the stereoisomerism. तो जो structural isomerism है, इसकी मैंने example अभी दी जो है वो N-butane की, इसकी मैंने example दी जो है वो आपको two hydroxybutanoic acid और three hydroxypropanoic acid की. तो यहाँ पे फिर दोबारा जरा देख लीजिएगा एक और example, it is CH3CH2Br, it is one bromo propane. Okay, यहाँ पे bromo group जो है, ये एक alkyl halide है, bromo group जो है, it is attached to the carbon number 1. अगर bromo group को carbon number 2 पर shift कर दिया जाए, CHBrCH3, it becomes 2 bromo propane. 1 bromo or 2 bromo propane, they have the same molecular formula but different the arrangement of atoms in their structure. They have the different position of the functional group with the carbon chain. They are known as the structural isomers of each other. Iski further types hum pe discuss karenge. And phenomenon is known as the structural isomerism. To aise compound jinka molecular formula same hai lekin structure formula ek dusre se different hai, they are known as the structural isomers, and phenomenon structural isomerism. Aur yahan pe dobara jo hai wo dekhiyega, ye example, do example yahan pe main discuss karunga, ek ye abhi jo humne discuss ki lactic acid ki. To lactic acid mein का अगर मैं ये स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूं, तो ये लैक्टिक एसिड इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसका अगर आप मिरर इमेज ड्रा कर लें, तो ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम सीक्वेंस ऑफ एटम है, बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस, जिसको मैंने अभी कहा कि दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन आर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर नोन एज द stereoisomers, and phenomenon is known as the stereoisomerism. ये एक और example देखिएगा कि it is two butene और ये structure.
इट्स ऑल्सो टू ब्यूटीन। अब आप यहां पे देखिए, क्लियरली देखिए कि दे हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ द एटम। हाउ एवर द ओरिएंटेशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम, सो दे आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड फिनोमिनन इज नोन एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दूसरा पॉइंट मैं जो है वो इस डेफिनेशन के बाद जो है वो यूं लिखूंगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मालिक्यूल आर इट अराइजेज ड्यू टू द वेज इन विच द atoms can be linked with one and other in the molecule. Yani this type of isomerism arises due to the different arrangement of atom within the structure of the molecule, whereas the stereoisomerism arises due to the different orientation of atom or the group of atom in the space. और तीसरी बात जो है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आइसोमर्स हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम भी हो सकती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, और डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तीसरा पॉइंट आ गया। इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये आपको मजीद पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। अब फोर्थ पॉइंट में आप इसकी टाइप्स जो है वो लिख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स दे आर आ फाइव टाइप, या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फाइव टाइप्स का है। इट इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नंबर थ्री इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म, नंबर फोर इज द मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, एंड नंबर फाइव इज द टाटो मेरिज्म। जबकि इसकी जो टू टाइप्स जो है वो आपने लिखें कि दे आता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टू टाइप, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर देख लीजिए कि इसमें तीन पॉइंट जो है वो अपने जो आंसर के लिखने के डेफिनेशन कि ये क्यों अराइज करता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन और द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें ये जो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम या डिफरेंट हो सकती हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमेशा सेम होंगी। दोनों केसेस में अलबत्ता फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, और इसके बाद जो है वो आप इनकी टाइप्स लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द isomerism and the difference between the structure and the stereoisomerism.